नमस्कार आदाब, मैं हुसैनिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरे देश में मचा है हाहाकार। कोरोना वायरस ने भारत देश में ऐसा कोहराम मचाया है जिसको लेकर हर कोई संकट में है। कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन इस बीच अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाकर भेजे जा रहे हैं, जैसे प्याज खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा तो कलौंजी खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। बहरहाल सब अपने अपने स्तर पर लोगों को गुमराह करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम यही आपको सलाह देंगे कि आप सतर्क रहे और सावधान रहे। मुंबई में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 38 हो गई है, घटने के वजह बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 116 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। उड़ीसा में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया है, लेकिन देश भर में अभी तक कोरोना वायरस से कुल 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और दूसरी तरफ कर्नाटका में भी मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल सनसनी मची हुई है, लेकिन आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे। दूसरी तरफ मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ टर्मिनस करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से स्टेशन का नाम बदलने की प्रस्ताव को पास कर दिया है। महाराष्ट्र सत्ता में कभीच शिवसेना लंबी समय से मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर शंकर सेठ के नाम पर करने की मांग कर रही थी। शुक्रवार का ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। दरअसल जगन्नाथ शंकर सेठ एक उद्योगपति और शिक्षाविद थे। वो भारत की पहली रेलवे कंपनी के पहले निदेशकों में से एक थे। मालूम हो कि शिवसेना लंबे समय से मुंबई समेत अन्य लोकल रेलवे स्टेशन के नामों को बदलने की मांग कर रही थी। उसका तर्क है कि ये नाम ब्रिटिश काल के थे और इनका स्थानीय नाम बदलने की जरूरत है। इसको लेकर साल 2017 में शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी। प्रहार टाइम्स की बाकी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।